पहले जब मेरी बात अजीम जी से हुई थी इस गाने को लेकर, उन्होंने मेरे को स्क्रैच भेजा था गाने का, कि बोला करना है या नहीं। फिर सुना तो सुनते ही, अगर आप सबने आज देखा तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये म्यूज़िक ही बहुत कैची है, यू नो, पहली बार सुनते ही ज़बान पे चढ़ जाता है। तो अजीम जी जानते हैं, मैं ना जो भी गाने लाइक हम डिसाइड करते हैं कि आज शूट करना है, वो म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ द सॉन्ग, और लिरिक्स यू नो उसमें जान डालते हैं। तो अरिजीत जी ने तो, ये उनका तीसरा गाना है मेरे लेबल पे, और तो जैसे ही हमने पहली बार सुना तो हमने डिसाइड किया अब इसको प्लेबैक सिंगिंग कौन देगा। तो फिर इन तृप्ति जी का नाम आया, एंड तृप्ति जी ने भी अगेन तीन गाने गाए हैं लेबल पे, एंड इनका बेहतरीन गाना है ये तेरा ही हुआ दिल और दिल हूँ तेरा। तो सुनते ही लगा, जब यू नो गाना ऐसा होना चाहिए कि आप सुनते ही बोलो कि हाँ यार इस पे एक्टिंग करना है, इस पे शूट करना है। तो हमने डिसाइड किया यार इसको शूट करते हैं, एंड फिर हम मनाली गए, और यू नो स्टोरी हमने ऐसे सोची कि बहुत लीनियर स्टोरी है, बहुत सिंपल लव स्टोरी है बिटवीन टू पीपल जो मनाली में मिलते हैं। एंड आपने देखा ही है गाना कि यू नो पहली बार सुनते ही यू नो दिल को छूता है, यू नो, और ऑडियो ऐसा है कि लिरिक्स ऐसे हैं कि लोग इसको गुनगुनाएंगे बार बार। तो वही है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल लव स्टोरी है। हरप्रीत का सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? तो इनका सिलेक्शन ना मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कैसे। तो एक्चुअली क्या था, हम इस गाने को पहले गोवा में शूट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो हमारी जो पूरी टीम थी, हमने डिसाइड किया चलो अब इसको हम हिल स्टेशन में शूट करते हैं, हम इसको मनाली में करते हैं। तो पंजाब की चाहिए थी सो दैट वी कट डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ अपना एयर टिकट्स। तो हमने सोचा कोई चंडीगढ़ की लेते हैं लड़की, फीमेल लीड। अब दो लीड हमने जो फाइनलाइज की थी, यू नो ड्यू टू सम क्रिएटिव डिफरेंसेस वो नहीं हो पाया। तो एक रात पहले, अब आई वॉज सो नर्वस कि यार कल शूट करना है, मेरी कल फ्लाइट है टू चंडीगढ़, और वहाँ से मनाली की मेरी कैब है, एंड अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे। किसी ने मेरे को इनका प्रोफाइल भेजा रात के अराउंड 11:30, एंड मैंने बोला यार ये तो डेब्यू करेंगी, अब क्या कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। बट इनकी मैंने रील्स देखी फिर इंस्टाग्राम पे, आप सब जाइए इनके इंस्टाग्राम पेज पे, ये बहुत अच्छी रील्स बनाती है, मतलब शी इज़ गॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस। तो जैसे ही मैंने इनका पेज देखा, मैंने लगा एक शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर दिस सॉन्ग, एंड यू नो वेरी गुड एक्सप्रेशन शी हैज़, एंड इनका पंजाब इंडस्ट्री में बहुत काम किया, एंड आई थिंक शी हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन इन द फिल्म इंडस्ट्री। अजीम भाई, आप क्या कहना चाहोगे अबाउट दिस सॉन्ग? ये गाना हमें शुरू से पसंद था। अरिजीत चक्रवर्ती साहब ने बनाया था, इसे कंपोज किया था, और मुझे एक दिन भेजा इन्होंने कि यार इस पे लिरिक्स लिखने हैं। तो मैंने सुना तो मुझे कंपोजिशन बड़ी कैची लगी, और मुझे 5-10 मिनट में ही वो गाना हो गया था, मैंने लिख दिया था, और गाने का लुक अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। तो कोविद जी को भेजा हमने कि आप सुनिए इसे, इनको भी फौरन पसंद आया और गाने का आगे प्लान हो गया। तृप्ति सिन्हा जी, इनको सुनाकर शामिल किया गया गाने में कि भैया आप भी आइए, और लाजवाब गाना इन्होंने गाया इसे। और मुझे लगता है कि इसमें जितने लोग शामिल हैं सब ने अपना 100% दिया है, और इसी वजह से ये गाना बहुत अहम दिख रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस अब बाकी आप लोगों पे छोड़ते हैं कि इसे दूर तक ले जाना है, दूर तक ले जाने में आप साथ दीजिए। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि बताया कोविद जी ने और अजीम जी ने कि ये गाना अरिजीत जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया था, और दे लाइक द सॉन्ग, तो मुझे बोला गया कि यू हैव टू सिंग, तो मैंने गाया गाना और बहुत अच्छे से गवाया अरिजीत जी ने, और अजीम भाई के लिरिक्स तो आपको पता ही हैं, एंड कोविद इज ऑलवेज लाइक वेरी तृप्ति सिन्हा जी सिंगर बहुत कमाल की हैं, बेहतरीन सिंगर हैं ये, बिल्कुल, और जो भी गाना गाती हैं ऐसा लगता है इन्हीं के लिए बनाया गया था, बड़ा खूबसूरत गाना। थैंक यू भाई। और हरप्रीत, इट्स रियली प्लेजर वर्किंग विद हर, ऐसा लग नहीं रहा है कि शी हैज डन दिस डेब्यू सॉन्ग, शी इज रियली ब्रिलियंट, एंड कोविड मित्तल तो किया तो लाइक डूइंग लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड फिल्म मूवीज वेब सीरीज एवरीथिंग, सो वी आर वर्किंग। एंड हरप्रीत, आप कितनी एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इनफैक्ट मैंने कोविद को भी बोला था, कोविद जी प्लीज़ मुझे वीडियोस भेजो। नहीं हरप्रीत, मैं नहीं भेजूंगा, मैं उधर ही दिखाऊंगा स्क्रीन पूरी, जितनी भी स्क्रीन में देखोगे आप, आपको अच्छा लगेगा, आप देखना। मैंने कहा ठीक है कोविद, तो आज देखा, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि यही मेरा फर्स्ट सॉन्ग, मैंने इतने सॉन्ग कर लिए ना, लाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मुझे लगा कि नहीं यही आज मेरा फर्स्ट सॉन्ग, और थैंक यू कोविद। और कोविद कहते हैं नहीं हरप्रीत की एक्टिंग नहीं अच्छी, हरप्रीत को नहीं लेना। He told me. कुछ नहीं, मतलब जब से जब गाना स्टार्ट किया था तब से लेके जो जर्नी रहा है अभी तक बहुत खूबसूरत रहा है। अजीम भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, दीप्ति जी ने बहुत अच्छा गाया, ईशान ने भी बहुत अच्छा गाया,
एंड सबसे बेटर थिंग जब आपका काम बहुत अच्छी तरीके से बाहर आता है, कोविद जी ने बहुत अच्छी तरीके से शूट किया है, स्टोरी वॉज गुड एंड द इंटायर कॉन्सेप्ट लोकेशंस, मतलब बहुत मेहनत करके डेवलप करके चीज़ों को बनाया है. सो कहते हैं कि शुरू अच्छा हुआ, अभी उसको और आगे लेके जाइए. और थैंक्स टू आवर मेल सिंगर ईशान खान, ही इज नॉट वेल एक्चुअली, सो वो आ नहीं पाए. आज तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुलाया है. मेल वोकल उनका ही है एंड ही हैज डन ग्रेट जॉब. इनके भी बहुत सारे हिट गाने हैं, आप सुन सकते हैं. मैं एक्चुअली लाइक आई सेड ना, मैंने 2010 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था बैंकॉक में एज मिस्टर यूथ एशिया. वो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद व्हेन आई केम टू इंडिया तो मेरे को बहुत सारे ऐड ऑफर्स मिले थे. मैंने बहुत एड्स करी हैं और ऑल द एड्स आर देयर ऑन गूगल. अगर आप मेरा नाम गूगल करोगे ना, आप सारी एड्स देख सकते हो. तो जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मेरे को डिसाइड करना था मैं करियर में क्या करूँ. मेरे को जॉब नहीं करनी थी, तो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन कंपनी कॉल के एम मीडिया एंड प्रोडक्शंस. एंड देन मैंने फिल्म मेकिंग का भी कोर्स किया और मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया. मैंने 4 साल थिएटर किया. तो उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया था, बिकॉज जब भी मैं कोई छोटी ऐड करता था, मैं छोटी ऐड से ही शुरू किया, मेरे को ना सब लोग बोलते थे कि आपकी क्रिएटिव डायरेक्शन बहुत अच्छी है, यू नो, सब बोलते थे. तो मैंने डिसाइड कर लिया था यही मेरी फील्ड है एंड यू नो मैं इसी को आगे लेके जाऊँगा. एंड मैंने बहुत लाइक TVS बाइक्स, हुंडई कार, नारायणा नेत्रालय, अपोलो हॉस्पिटल, इन सब बड़े बड़े लेबल्स के लिए मैंने डायरेक्ट करी हैं TV एड्स. तो फिर एक्टिंग पैरेलली चल रही थी एंड एक्चुअली मेरे को एक फिल्म करनी थी लास्ट ईयर एज अ लीड एक्टर. अजीम जी जानते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ अगेन क्रिएटिव डिफरेंसेस ऐसे हुए, मेरे को निकाल दिया गया था फिल्म से. एंड फिर अजीम जी ने मेरे को बोला कोविद आप अपना स्टार्ट करो बिकॉज आपके पास वो हर टैलेंट है. और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, मैं लाइक बींग वेरी ऑनेस्ट मॉडेस्ट, मैं ऐसे नहीं है कि अपने बारे में शो ऑफ कर रहा हूँ. आई फील दैट यू नो मेरी इतनी जर्नी रही है, मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आई कैन डायरेक्ट अ फुल फीचर फिल्म एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर. और अजीम जी ने मेरे को बोला आप अपना लेबल स्टार्ट करो. ये पिछले साल स्टार्ट हुआ था ना, एक साल के अंदर हमने 11 गाने कर दिए हैं एंड अभी हम 3 गाने और करेंगे बाय जैन और फेब. उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद अ वेब सीरीज एंड अगेन यू नो दिस टीम आप जो यहाँ देख रहे हैं मोस्टली यही टीम रहेगी, फ्रॉम द राइटर, लिरिक्स राइटर एंड तृप्ति सिन्हा एंड अरिजीत जी एज म्यूजिक कंपोजर. या एंड यू नो मेरी एक फिल्म है 6387 मीटर्स ब्लैक पीक विच इज प्लेइंग ऑन अमेजोन प्राइम. इट हैज़ गॉट 17 बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स इन डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर. इट्स प्लेइंग ऑन अमेजोन प्राइम. आप गूगल करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. आप प्लीज़ देखिएगा मूवी. ये इंडिया की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फ्रेंचाइजी है, यू नो विच हैज़ वॉन 17 बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. इट्स कॉल्ड 6387 मीटर्स ब्लैक पीक. मैंने डायरेक्ट करी एंड आई एम द फेस ऑफ द फिल्म. सो प्लीज़ देखिएगा एंड यू विल गेट टू नो कि मैं किस लेवल पे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म, इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, द कैमरा यूजेज, बैकग्राउंड्स को. सो आपको पता चलेगा कि इन वॉट लेवल यू नो आई एम टॉकिंग कि आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग. एज अ फैशन मॉडल थी तो ऐसे मैंने रैम वॉक किया. नॉर्मली रैम वॉक थी मेरी, तो कहते हैं ना बाय हुक बाय क्रुक मैं लाइक बन गई, मिस एलिगेंट बन गई. तो धीरे धीरे मुझे शूट्स मिलने शुरू हो गए, कमर्शियल शूट्स मिलने शुरू हो गए. फिर मैं इंडस्ट्री में चली गई, पंजाबी सॉन्ग्स मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए शुरू. सो या धीरे धीरे हाइप मिलने शुरू हो गए. अभी मुझे एक्टर बनना है, अभी करना है काम बहुत. अभी तो मुझे लगता है कि अभी मैंने स्टार्टअप किया है. अभी बेशक बहुत खूबसूरत गाना है. वाकई गाने के लिए सबसे अच्छी बात यही होती कि गाना स्टार्ट हो और आप पकड़ लो उसे. अगर मुखड़ा गुजर गया और आप कैच नहीं कर पाए तो गाना बेकार है फिर. तो इस गाने में वो बात है. और ये शुरू से कोविद जी ने, मैंने और तृप्ति सिन्हा जी ने इस गाने को सुनने के बाद यही एक जबान का कि ये गाना जबान पे आने वाला है. तो हमने इसका फैसला लिया कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं. तृप्ति जी आप भी इससे जुड़ी हुई हो, गेट हाई ऑन म्यूजिक, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे? बहुत सारे अभी गाने, अभी तो 3 गाने बैक टू बैक आने वाले हैं और वेब सीरीज और फिल्म एंड एज अ एक्टर एज अ डायरेक्टर कोविद जी विल बी डूइंग इट. और बाकी सारी टीम जो हम जब काम कर रहे हैं तो वैसे ही सेम करने वाले, बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे. मनाली में हमारा शूट था तो मतलब मुझे कोविड से एक चीज़ सीखने को मिली कि हरप्रीत ऐसे नहीं तो ऐसे कर, है ना,
आपको भी पता पंजाबी सॉन्ग्स में लाइक ऐसे ऐसे चलता है ना, असली एक्ट तो मुझे इधर सॉन्ग में करने को मिला कि एक्ट होता गया, क्योंकि हमारे पंजाबी सॉन्ग्स में लिप सिंग कर दी है ना, आपको भी पता आप देखते होंगे, तो इधर था मुझे कि नहीं ये असली एक्ट है। तो कोविड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनफैक्ट टीम भी बहुत सपोर्टिव थी, काफ़ी अच्छी टीम थी, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का। ये तो मेरे लिए मतलब ब्लेस थीम है कि मुझे है ना कि पता ही नहीं था, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैं गाड़ी में बैठी, मुझे पता ही नहीं था कि सॉन्ग मैंने सुना भी नहीं था, मैं बैठी जैसे ही मुझे डायरेक्टर ने है ना अमित ने भेजा सॉन्ग, मैंने कहा ओह शिट यार ये तो बॉलीवुड सॉन्ग है, सो यार एक्साइटेड तो बहुत थी, तो अभी है अभी मेरे लिए बहुत ये बिग पार्ट था कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला, और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मुंबई, ये मेरा फर्स्ट टाइम, इतना ट्रैवल किया कभी मुंबई देखा ही नहीं था मैंने, तो या अच्छा था। गाड़ी सब लोग ढूंढेंगे कि सीधा बॉलीवुड में इंटरव्यू गाड़ी की बता दीजिए। देखिए गाना था, हम सब ने देख लिया है, एंड यू नो तृप्ति जी की आवाज़, इनफैक्ट मैंने बहुत बार तृप्ति जी को बोला कि आप, मेरे को बहुत सरप्राइज होता है कि यू नो ये उस लेवल पे अभी क्यों नहीं है जिस लेवल पे ये डिजर्व करती है, और ये मैं फैक्ट है, आप सब ने, मैं ऐसा नहीं है कि बिकॉज मीडिया बैठी और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपने खुद गाना सुना, इनकी आवाज़ सुनी, तो मैं जब भी हमारी बात होती है फ़ोन पर, मैं हमसे बोलता हूँ यार या तो आपके किसी मार्केटिंग में शायद आप थोड़ी कमी है, बट शी डिजर्व टू बी ऑन द वन ऑफ द लीडिंग प्लेबैक सिंगर्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एंड नो आई सीरियसली मीन दिस, सीरियसली मीन दिस, एंड जस्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, गेट हाई म्यूजिक इज़ यहाँ पे सिर्फ टैलेंट की बहुत कदर है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सबके लिए दरवाजे ओपन हैं, यू नो वी वॉन्ट टू वर्क विद गुड टैलेंट, काम अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो, बस प्यार मिले, इज्जत मिले, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। अभी जैसे आप लोग इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यू नो यहाँ बैठ के, आप लोगों ने टाइम निकाल के आए, बहुत यू नो थैंक यू एवरी वन, बस इस गाने को हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए, बिकॉज हमारा भी मूवीज में वेंचर हो रहा है भाई जैन और फेब, बस देखते रहिए हमारा चैनल, एंड आई प्रॉमिस वी विल टेक फिल्म मेकिंग टू अनदर लेवल, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, वेदर इट्स लिरिक्स, म्यूजिक, यू विल सी दिस, दैट दिस लेवल विल गो टू प्लेसेस, बिकॉज यू नो जहाँ आई फील टैलेंट नेवर गोज अननोटिस, अगर टैलेंट है तो उसकी कदर वो दिलों तक पहुँच ही जाता है, थोड़ा वक्त लगता है पर वो पहुँच जाता है, और मैं उसी में बिलीव करता हूँ। मैं एक जुमला है, मैं कोविद भाई की बात से मुझे याद आया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही है, उसके लिए एक जुमले में मैंने एक बात कहना चाहिए कि ऊपर वाले ने सबको हीरा ही पैदा किया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। आपने जो गाना सुना तेरा ही हुआ तू मेरे लिए बना है, अली हैदर ने डेब्यू किया था, पहला गाना था आवारा हूँ, उसमें भरत बिस्वा कैलकटा सिंगर है, उन्होंने बहुत सारे स्टेज शोज किए, उन्होंने डेब्यू किया था, हरप्रीत ने डेब्यू किया है, एंड आवारा हूँ में तेजस्विनी थी, तेजस्विनी शर्मा, शी ऑल्सो डेब्यू इन द हिंदी, एंड मतलब सब, जैसे मैंने बोला ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप काम अगर मेहनती हो और आप काम अच्छा है, टैलेंट है, सीखने की है, ईगो नहीं है, और आप में वो है कि सब आगे जाएं मेरे साथ, ये नहीं है कि यार काम निकाल लिया और रात गई बात गई, वैसी नेचर नहीं है आपकी, आपकी अच्छा यू नो डाउन टू अर्थ हम्बल हो, तो आई थिंक गेट हाई म्यूजिक सबके लिए खुला है, एंड यू नो आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबॉडी, यू नो अगर आप दिल के अच्छे हो और मेहनती हो, आई थिंक ऊपर बैठा वो यू नो आपको कहीं ना कहीं जोड़ देता है, जैसे मेरे को इनके साथ जोड़ा, हम मिले भी बहुत ही ऑनलाइन ही थे, एंड कमाल की बात यह है कि हमारा रिश्ता 3 से 4 साल पुराना है जी, मगर फोन पे ये हम पहली बार मिल रहे हैं, बहुत साल से मिले कभी नहीं, ये पहली मुलाकात है हमारी इस गाने के हवाले से। तो बोलते हैं ना ऊपर वाला एक जरिया होता है मिलाने का, और फिर वो कारवां बना चल पड़ता है, तो वैसा ही है गेट हैवी म्यूजिक की भी कहानी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगेन मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मॉडेस्ट बीइंग वेरी हम्बल, आई थिंक मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मैंने बहुत मेहनत करी है लाइफ में, मैंने बहुत रिजेक्शंस भी फेस करी हैं, मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एंड यू नो तो मैं आज जहाँ पे भी हूँ, जितना भी मैंने दोनों कंपनियाँ खड़ी करी हैं, मैंने यू नो अपने दम पे करी हैं, मेरे को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, तो मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ, एंड यू नो आई थिंक
बस वही है कि आई डोंट गिव अप इन लाइफ, यू नो. अगर रिजेक्शन मिलती हैं, इनको पता है कि कहाँ से मेरे को फेलियर्स और रिजेक्शन हैं. इन्होंने मेरे को बहुत हमेशा यू नो मोटिवेट किया है कि डोंट गिव अप. बहुत काबिलियत है कोविड जी में, बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत है. तो हमने ऑलमोस्ट 10 दिन तो लगाए. या विद ट्रैक एंड डबिंग, इवन इवन हमारी हम लोगों की थोड़ी सी झड़प भी हो गई थी, लाइक यू नो कि होती है जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं उसको लेके. तो अरिजीत जी एंड वी लाइक वी डिसाइडेड, पहले मिक्सिंग हुई तो कुछ चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगी, कुछ मुझे नहीं अच्छी लगी. एंड ही वॉन्टेड समथिंग, किसी एज अ कम्पोजर ही वॉन्टेड सॉन्ग टू कम आउट वेल, मतलब अप टू द मार्क. तो ही सेड नहीं, 50 अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और अच्छे से होना चाहिए. तो वो क्रिएटिविटी लगती है, वो टाइम लगता है. बस लास्ट में सब अच्छे से हो गया. सॉन्ग हैज कम आउट वेरी वेल, यू कैन हियर इट, लाइक देख सकते हैं. तो सॉन्ग जैसा वो चाहते थे, जैसे क्रिएट करना चाहते थे. आई होप यू हैप्पी नाउ. आई एम वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. या एंड आई रियली वांट टू से थैंक्स टू कोविड एंड हरप्रीत. थैंक यू सो मच भाई. तो लाइक ही इज बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. लोग बोलते हैं यहाँ पे कि गॉड फादर होना चाहिए. मेरे लिए मेरे एक भाई हैं अजीम शिराजी भाई, ही हैज बीन ऑलवेज सपोर्टिव और इनकरेज बहुत करते हैं लोगों को. मतलब कोविड के साथ भी भाई ने मुझे जोड़ा, और इवन कोविड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, और बहुत सारा काम हम कर रहे हैं साथ में. तो लाइक दैट बस चल रहा है. लगेगा आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि आपको गाने अच्छे लगे. आपको असल में रोशनी को तलाश कर लेती है, खुद भूल जाती है. मैं कुछ नहीं करता हूँ. कोविड आप अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है ना, तो मेरा नाम फोर्थ पेज पे आता है. इसे संस्कृत वर्ड है कोविड. आप हनुमान चालीसा में फोर्थ पेज पे है नाम काहे कोविड. तो अभी तक तो मेरी ऐश्वर्या राय, उसको मैं पसंद करती हूँ. हीरो में नहीं, हीरो नहीं मुझे पसंद. नहीं बिल्कुल नहीं. वो तृप्ति जी गाएंगे. बस यही है, बस प्लीज आप प्यार देते रहिए, शेयर जरूर करिएगा. गाना फ्राइडे को रिलीज हो रहा है, एंड शेयर जरूर कीजिए. लाइक शेयर रील्स बनाइए, टैग कीजिए. एंड यू नो अगर आप एस्पायरिंग, बिल्कुल, एंड अगर आप एस्पायरिंग एक्टर हो, जब यू नो प्लीज अपने आप को टैग कीजिए. अगर कभी हमको लगा कि यू नो यू आर डिजर्विंग, तो एज आई सेड गेट हेवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं. एंड बस प्लीज इस गाने को जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज इस गाने को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. मीडिया पीपल, आप जितना इसको सपोर्ट करोगे, यू नो उतना ही वी विल फील मोटिवेटेड, बिकॉज इसमें गाने में बहुत मेहनत लगी है सबकी, फ्रॉम यू नो लिखने से म्यूजिक कंपोजिंग सिंगिंग एंड शूटिंग. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज 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 शेयर कीजिएगा गाने को. सब यार था दिया.